नमस्कार। आज का वीडियो महिला के बीमारी को लेकर है, जिसे यूट्रस से बहुत ज़्यादा खून आने लगता है, यानी एक माह में जिनका मासिक 5 दिन 7 दिन 15 दिन तक रह जाता है, यानी एक से पाँच दिन तक जो रहना चाहिए वो महीने भर रहने लगता है, जिससे महिला काफ़ी कमज़ोर हो जाती है और उनका स्वास्थ्य चिंताजनक हो जाता है। आनन फानन में लोगों को ऑपरेशन करानी पड़ती है। यदि आप भी इसी तरह के बीमारी से यदि ग्रसित हैं तो होम्योपैथिक चिकित्सा से बिल्कुल ठीक हो जाता है और ये आपको हिस्टेक्टोमी यानी गर्भाशय को ऑपरेशन कराकर महंगे इलाज कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऑपरेशन कोई भी नहीं कराना चाहता है, लेकिन मजबूरीवश आपको ऑपरेशन करानी पड़ती है। यदि ऑपरेशन नहीं कराएंगे तो सारा शरीर का खून निकल जाता है, लेकिन होम्योपैथिक से यह बीमारी बहुत अच्छे ढंग से बहुत जल्दी क्योर हो जाती है। हम ऐसे ऐसे महिला को देखे हैं जिनका ब्लीडिंग हो रहा था और उनकी ऑपरेशन की डेट भी पड़ी हुई थी, उनका ब्लड मात्र 4 ग्राम रह गया था। हमने उस महिला को दवा दिया और उसका बीमारी ठीक हो गया। फिर उसमें प्रेगनेंसी भी ठहर गई 3 माह के बाद में, फिर प्रेगनेंसी भी हटाया गया, फिर दवा दिया गया, फिर ठीक हो गया। इसलिए जो अल्ट्रासाउंड में बल्कि यूट्रस आता है, यानी गर्भाशय में सूजन, यदि आपको गर्भाशय में किसी महिला को सूजन है और बार बार ब्लीडिंग हो रहा है, मासिक कितने दिन तक रहते हैं, या एवर्सन की दवा मेफागेस्ट या अन्य कोई भी दवा कोई खा लेता है उसके बाद में ब्लीडिंग नहीं रुकता है, तो ये दवा हम लोगों के होम्योपैथिक दवा से बिल्कुल ठीक हो जाता है और यूट्रस का कोई भी बीमारी हो वो अवश्य ठीक हो जाता है। या आपको यूट्रस से संबंधित ज़्यादातर बीमारी महिलाओं को ये ब्लीडिंग के लेकर शिकायत रहती है, लेकिन हमारे पास कई लोग आते हैं और इसका इलाज किया जाता है, बिल्कुल लोग ठीक हो जाता है। हम चाहेंगे कि लोग अपना अनुभव शेयर करें ताकि आम महिला को इसका फ़ायदा मिल सके। जो महिलाएं बिना ऑपरेशन का ठीक होना चाहती हैं उनके लिए होम्योपैथिक का विकल्प बहुत अच्छा है। होम्योपैथिक दवा आजकल चारों तरफ मिल गया है। ये सब बीमारी में लाइफ करना दवा का संभव नहीं रहता है, उसके लिए अलग से वीडियो बनाया जाएगा कि कैसे कैसे बीमारी ठीक हो रहा है। लेकिन तत्काल हम रोगी से हम आपको इंटरव्यू हम कराना चाहते हैं, लाइव करना चाहते हैं, ताकि औरतों को बिना ऑपरेशन ये बीमारी ठीक हो जाए तो बहुत बढ़िया है, कम खर्च में ठीक हो जाता है। ऑपरेशन में बहुत ज़्यादा लगता है और एक जटिल प्रक्रिया है, जहां दवा काम नहीं करता है वहां तो ऑपरेशन ज़रूरी है, लेकिन यदि आपका मेडिसिन से ही काम चल जाता है, साधारण खर्च में यदि ठीक हो जाता है, तो हम समझते इस विकल्प को सब कोई पसंद करेगा और सबसे कम लागत वाला पसंद करेगा। थोड़ा नाम बताइए अपना। रेणु देवी। और नजदीक में रेणु देवी। नाम इनका है रेणु देवी। घर दयालपुर। घर इनका सारण जिला यानी छपरा डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत लहलादपुर प्रखंड में इनका दयालपुर घर है। और इनको आपको ब्लीडिंग कितने दिन से हो रहा है? एक महीने से। जोर से बोलिए। एक महीने से इनका ब्लीडिंग 1 माह से हो रहा था। और आप हमारे क्लिनिक में कैसे आईं? एक आदमी ने बताया हमको। एक आदमी नाम है क्या उनका? इनका एक आदमी कोई रोगी जो ठीक हो गया था हमारे यहाँ से, वो ठीक होकर गई थी, औरत थी, वही उन लोग इनको पता लोग दिया था। और हमारे दवा खाने के बाद में, हाँ थोड़ा सा जोर से बोलिए, कैसा है अभी? आराम है इनका, आराम है। हमारे लिए होम्योपैथिक में बिल्कुल एकदम आसान इसका इलाज है। अगर किसी भी महिला को यदि ब्लीडिंग हो रहा है तो आप लक्षणानुसार उपचार करेंगे तो निश्चित रूप से इसका फ़ायदा मिलेगा। अब हड़बड़ी में हम कोई भी दवा का सिम्टम लक्षण यदि आपको बताएंगे तो किसी को विशेष फायदा नहीं होगा। हमें इसे बहुत आसानी से धीरे धीरे हर चीज़ को समझानी पड़ती है। आप हमारे चैनल को देख रहे हैं तो लग रहा होगा कि इस दवा को तुरंत बता दें, ऐसा नहीं है। सभी महिलाओं का अलग अलग दवा सूट करता है, किसी को कोई दवा सूट करेगा तो किसी को कोई सूट करेगा। थोड़ा सा होम्योपैथिक में भी ये महंगा दवा जरूर पड़ता है, लेकिन बीमारी जरूर ठीक हो जाता है। और एलोपैथ के मुकाबले तो बुझिए कि नगण्य
पैसे में ठीक होता है और बहुत जल्दी ठीक होता है। एक सप्ताह के अंदर में आपका ब्लीडिंग रुकने लगता है और इस तरह से आपका ठीक हो जाता है। मेफागेस्ट यानी एवर्सन की दवा भी खा ली है, ब्लीडिंग नहीं रुक रहा है, तो ये सब दवाओं का सेवन कराने से आपको बिना किसी परेशानी का केवल दवा खाना है, उसके बाद आपका ब्लीडिंग ऑटोमेटिक आपको रुक जाता है। शायद ही कोई ऐसा केस होगा कि जो कि ठीक नहीं होता है। और क्या क्या दिक्कत था? और कुछ नहीं दिक्कत, इनको केवल ब्लीडिंग के लेकर शिकायत था। महीने में कितने दिन आता था? एक महीने पूरा आ रहा, एक महीने लगातार रहता था। इनको एक माह लगातार ब्लीडिंग रहता था, एक दिन बंद रहता था फिर चालू हो जाता था, फिर ऐसा ही एक आध दिन बंद रहेगा फिर चालू हो जाएगा। बताइए कितना कठिन ये बीमारी है, इसमें शरीर का सारा खून निकल जाता है, रोगी का जान भी चला जाएगा। इसलिए लोग आनन फानन में एलोपैथिक से या सर्जन से आप मिलते हैं, उसके बाद ऑपरेशन आपका विकल्प बचता है, लेकिन ऐसा नहीं है। होम्योपैथिक दवा से आप ट्रीटमेंट कराएंगे तो आपका यूट्रस से संबंधित जो भी शिकायत होता है अवश्य दूर हो जाता है। आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम इसलिए प्रसारित कर रहे हैं कि होम्योपैथिक में इसका ऑप्शन है। जो निराश हैं, जो समझदार चिकित्सक हैं, अवश्य इस बात को समझेंगे कि है और लक्षणानुसार आप उपचार करेंगे। जितने भी होम्योपैथिक में ब्लड गिरने वाला दवा है उसका जो मैक्सिमम लक्षण मिलता है आप देंगे। यदि आप लक्षण का मिलान नहीं करेंगे तो ठीक होना नामुमकिन है। अगले वीडियो में ये आप वीडियो देखते रहिए और इसमें हम लोग एक दिन इसका विशेष डिस्कस करेंगे आधे से एक घंटा टाइम लेकर, ताकि लोगों को समझ में आए कि किस ढंग से किस दवा से ये ठीक हो रहा है। आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।